पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। सातवीं क्लास के बच्चे भी फेल होते हैं क्या दोस्त? तो हे गाइस, इट्स मी धीरू मांचे, स्वागत आपका नई वीडियो में। और क्या चल रहा भाई? भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं देता हूं तुम्हें एक गजब की न्यूज़। भाइयों, वर्लिन की जो महिलाएं हैं ना, वो जर्मनी के सिटीज के स्विमिंग पूल में टॉपलेस नहा सकती हैं अब। अबे ओ, कहां जा रहे तू? जर्मनी चल, अब जल्दी चला। भाई, जर्मनी तक कोई ट्रेन जाती है क्या इंडिया से? यार मेरी बुकिंग करवा दे, जर्नल में ही चला जाऊंगा बैठे बैठे। नहीं तो एक काम कर भाई, जहाज के सामान में मुझे भरवा दे यार, लेकिन जर्मनी पहुंचवा दे कैसे भी करके। ओके बॉयज, नाउ यू नो, अगर आगे इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करनी है तो कहाँ की करनी है। ओके, जैसे कि अभी होली बीती है तो काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज ने जो है सेलिब्रेट करी है, एकदम कलर वलर नाच गा के। भैया राजेश भैया यार, अपना ढोल दे दो यार, दो चार दिन के लिए उधार मुझे ना, मेरा भी मन कर रहा है कुछ दिन बजाने का, खर्चा वर्चा भी निकल जाएगा मेरा थोड़ा ऊपर से, और मतलब हाँ खर्चा निकल जाएगा। भाई ढोल वाले की एनर्जी देख रहे हो तुम, डबल हो गई है, डबल। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। अब्बा मुझे ढोल वाला बनना है। हाँ मुझे पता है पैसे मुझे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश रहूंगा, मुझे ढोल वाला बनना है, बनने दो। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। ढोल वाले भैया एक्साइटेड थोड़े कम हो, कमर में मोच आ गई ना, बिस्तर पकड़ लोगे चार दिन के लिए। यह दोस्तों सौंदर्या बिकम बंदरिया। भाई ये जो है बिग बॉस में थी, सौंदर्या नाम है इसका, अब ये बंदरिया बन रही है। सो डू यू रिमेम्बर रीवा अरोरा? बहुत पहले हमने वीडियो बनाया था, तो रिसेंटली भाई वो भी होली खेलने गई थी, तो उनके जो फ्रेंड्स के बीच जब वो गई स्टेज पे, मतलब एक स्टेज पे गई थी, तो बड़े एक्साइटेड थे यार वो। भाई जितना मजा इसे यहाँ खड़े होकर आ रहा था, उतना ही मुझे आ रहा है रील देखने पे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, भाई कोई देखने तैयार ही नहीं है। वेल ऐसा ही होता है जब तुम स्टेज पे ऑडियंस के बीच जबरदस्ती रील बनाने चढ़ जाते हो। कैसे एक बच्ची को देखने के लिए इतने लोग आए हैं, ठरकी कितने इतने जितने, भाई जरूरी थोड़ी है जितने भी लोगों से देखना है वो ठरकी होंगे। भाई कैसी बात कर रहा है यार, भाई उसे देखने तो आए भी नहीं है भाई, वो किसी और के लिए जमा हुई है ऑडियंस, अपना मस्त गुजिया वगैरह खा के वो आया भाई डांस वांस करने, उसके लिए ना आए। रोला जमाने के लिए स्टेज पे चढ़ गई है भाई, बिन बात रोला जमाना है लोंडो में रोला। वेल मैं भी कहां मजाक उड़ाने बैठ गया भाई, मुझसे तो ज्यादा ही फेमस है ये। भाई ये काली शर्ट वाले लोंडे के शरीर से तो भाई आत्मा दूर भग गई दिखा इसकी, या फिर भाई भांगती है बेटा, इधर आ रहा कुछ भी समझ। पढ़ ले साले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। सातवीं क्लास के बच्चे भी फेल होते हैं क्या दोस्त? 15 मिनट रील देखूंगा फिर पढ़ूंगा। हाँ पहले 15 मिनट रील देख ले, फिर 1 घंटा बना लेना, एक दो घंटे कमेंट पढ़ने में लगा देना, हो गई पढ़ाई बढ़िया। हाँ जब तक मैं अपनी दाढ़ी खुजा रहा हूँ तब तक तुम वीडियो लाइक कर दो। कर दी, ओके थैंक यू गाइस। अभी हम मोती जावेद के बारे में बात करेंगे, और इस बार जो है वो चर्चाओं में अपने फैशन सेंस की वजह से नहीं, अपने फैन की वजह से आई है। पीछे खड़े हुए उनके हस्बैंड और ये अंकल देख रहे हैं, अरे ना हम पागल है जो वहां से तेरे को व्हीलचेयर पे घसीट तो ला रहे, घसीट तो नहीं मतलब धक्का मार दो व्हीलचेयर को ला रहे। उर्फी जावेद भी देख रही है, अरे अभी तो व्हीलचेयर पे थी यार आंटी तुम। मेरे को खुद को अजीब सा फील हो रहा था यार कि आंटी को पता नहीं क्या हो गया, इनके पैर वैर जो है जल्दी सही हो जाने चाहिए, मन इतनी जल्दी सुन लेता है क्या तू मेरी? भैया जरा मेरे चैनल पे व्यूज बढ़वाओ यार, 2 मिलियन से कम नहीं आने चाहिए वीडियो पे, समझ रहे? हम जाके खुश होऊंगा मैं बहुत ज्यादा, लाइक्स भी होने चाहिए 2-3 लाख पर वीडियो। कमेंट सेक्शन में भर रखा है, पहले मैं हॉकी का प्लेयर था, बहुत मजा आ रहा है, दो टांगे नकली है, ये हॉकी की प्लेयर थी। ऐसा हो सकता है जस्ट अभी आंटी जो सही हुई है और डॉक्टर ने बोला थोड़ा और रेस्ट कर लो, तुम बाकी सही हो गई हो, एयरपोर्ट पे थोड़ा दूर से चल के आना होता, तो अंकल उनके अच्छे हो, उनके हस्बैंड अच्छे हो, उनको लेके आ रहे हो यार व्हीलचेयर पे, ऐसा भी हो सकता है। बट भाई ये पनी लगी मुझे तो, मैंने मजाक उड़ा दिया और कुछ नहीं। भी अगर एक फोटो खींचने से आंटी व्हीलचेयर से खड़े हो जा रही है तो दो चार रील बना दे यार, तो आंटी मस्त एकदम तबीयत बढ़िया हो जाएगी इनकी। आप एयरपोर्ट पिक्चर क्लिक कराने आती हो ना आती हो, लेकिन आपके घर पे जो चूहे और चुहिया आती है ना वो कपड़े काटना आते हैं बस। बताओ किस कदर चूहे ने कतरे कपड़े भाई, जब कोई काओ या बफेलो सूखे हुए कपड़े चवा जाती है सेम ऐसा डिजाइन बनता है। भाई ये तो अपना मजाक उड़वा के बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत पैसा कमा लिया इनने, तेरी भी जली ना। मुझे जेलेसी वेलेसी नहीं हो रही है भाई, मैं भी सोच रहा हूँ फटे पुराने कपड़े पहन के भाई उल्टे सीधे
करना शुरू कर देता हूँ यही काम। लेकिन फिर मुझे याद आ जाता भाई लड़की नहीं हूँ मैं। इसको तो लड़कियों की इतनी गालियां बकी है लोगों ने, इतनी बेइज्जती हुई है, मेरे को तो भयंकर जिंदा उठा के ले जाएंगे मेरे घर से। मजाक कर रहा, छू भी ना सका कोई तुम्हारे भाई को, समझ रहे? अभी भी मजाक ही कर रहा। अरे उर्फी दीदी ये बैग कर क्या रहा तुम्हारे पास? पहनने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल ही कहाँ करती है, कपड़े छोड़ के बाकी सारी चीजें पहनने में इस्तेमाल कर लेती है। बता ऐसा हो सकता है नेक्स्ट जो है भाई अभी बैग का ही कुछ ड्रेस बनने वाला हो तो इसलिए इसे लेके घूम रही हो, एकदम बैग में पैक होके घूम रही है। कोई भरोसा नहीं भाई, कोई भरोसा नहीं। ऊपर ऊपर रंग लगाइयो ना करियो कुछ नीचे। खाने में ऐसा सही में ये बॉलीवुड वाले कब से ऐसी बकैती काट रहे हैं? हम लोग तो अब गौर दे रहे हैं, इतना पारिवारिक माहौल बना रखा ना, तुम देख रहे हैं? भाई ये कौन से रंग लगाने की प्रैक्टिस चल रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही यार। भाई मेरे को लगता है शूटिंग के टाइम पे लोगों ने जो है थोड़ी थोड़ी भांग चढ़ा ली होगी, उसके बाद ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, किसी को कोई होश ही नहीं है। सॉरी बना रहे थे, अब बना के दिखाए, कोई मूवी चल जाए तो मैं मानू फिर। गाइस बॉलीवुड डिसरेस्पेक्ट और मिसबिहेव से याद आया कि भाई रिसेंटली अक्षय कुमार के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि दिशा पटानी के साथ उन्होंने मिसबिहेव कर दिया कुछ। इनका कुछ टूर वोर आने वाला है, दिशा पटानी, मोनी रॉय और क्या नाम है यार उसका लौंडे अलग सिम बॉय कर रहे हैं उसके पीछे, हाँ सोनम भाजपा। भाई अब गाली मत बकने लगी है मेरे को, तेरा क्रश होता है पता नाम मुझे, भाई फेस जानता हूँ मैं। तो इन चारों को जो है ना टूर चल रहा है, तो शो के रिहर्सल के दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने जो है हरेस करा दिशा पटानी को, भाई इस बंदे ने ट्वीट करके कहा है, और उसके बाद वो स्टेज और होटल जो है छोड़ के चली गई। उसके बाद काफी ज्यादा लोगों के भाई रिएक्शन विएक्शन बाहर आ रहे हैं कि नहीं यार खिलाड़ी भैया ऐसा नहीं कर सकते, अक्की भाई के फैंस वगैरह कह रहे हैं इस पे एक्शन लो, इस पे डिफेमेशन का केस डालो या फिर आके सब चीजें क्लियर करो। अभी तक ये सिर्फ रूमर है ना भाई, अक्षय कुमार की साइड से कुछ आया है ना दिशा पटानी की साइड से? अगर तो छेड़ना भी होगा तो रिहर्सल के टाइम क्यों छेड़ेगा, वो भी स्टेज पे इतने लोग के सामने? हंसना नहीं चाहिए ना इस चीज पे, शांत हो सीरियस होकर बात करते हैं। अरे टाइगर भाई रो मत यार, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ कुछ भी, मैं कह रहा ना अक्षय कुमार को नहीं कह रहा हूं, ऐसा किसी भी सेलिब्रिटी को कह रहा हूं, अगर कुछ कुछ करने का ट्राई भी करेगा तो भाई वो बहुत और के मिलेंगे करने के लिए, वहां क्यों करेगा इतने लोग के सामने। उसके बाद जो बॉलीवुड की न्यूज देता है बड़े बड़े पेजेस उन्होंने डालना शुरू कर दिया, भाई अक्षय कुमार ने दारू पी रखी थी, दिशा पटानी को छेड़ दिया। तो भाई हमारे जो सबसे सेंसिबल जो सबसे दिमागदार इंसान है पूरी इंडस्ट्री में बॉलीवुड की, उन्होंने ट्वीट करा चाचा कह रहे दारू पीता नहीं और ऐसी गंदी चीज करता नहीं, ये दिशा पटानी जो है पब्लिसिटी के लिए कर रही है सब। अरे दिशा पटानी ने कहा कि ये भाई अक्षय कुमार ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है कि भाई दारू पीते हो ना पीते हो लेकिन तू गांजे के नशे में रहता है 24/7। और नोरा जी है, नोरा जी को इस बात की टेंशन है कि कोई भी आता कहता ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई इनसे तो पूछ लो ये किसकी गर्लफ्रेंड है। भाई हो तो खतरनाक ही रहे हो तुम वैसे, कहीं ये लौंडा जो है नूरा का फैन तो नहीं था? चलन में रूमर्स फैला दियो इनने। मोनी रॉय अभी अभी शादी हुई इनकी, इनको इस बात की टेंशन है कि नागन का रोल इन्होंने किया तो इनके हस्बैंड को लोग बीन देते थे गिफ्ट में। बीन तो बस्ती होगी दिन में नहीं, लेकिन दिशा बट्टी को इसको घूमने का शौक है भाई, इसे इस बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहां कहीं टाइगर ना मिल जाए। ये भाई ये टैंक ना हो रहा ज्यादा है, ज्यादा ही हरामी ना हो रहे कि भाई तुम देखियो भाई क्या सही बॉन्ड है यार उनका, पता नहीं कैसे कैसे एलिगेशन लगा रहे यार उल्टे सीधे, बताओ क्या बात हो गई है। बाकी ऐसा भी हो सकता बाकी ऐसा भी हो सकता भाई, टाइगर भाई ने रूमर्स फैलवा दियो। शादी तो मैं उसी घर में करूंगी जहाँ मेरी सास इंस्टाग्राम की शौकीन हो और पति खाना बनाने का। अच्छा ढंग से दूध के धान नहीं टूटे और भाई शादी के सपने रचाए जा रहे हैं और पति खाना बनाने का। खाना पति बनाएगा घर में बैठ के तो पैसे कौन कमाएगा? अफसोस बहन खराब रीले बनाने वालों के पास तो ब्रांड कोलैबोरेशन भी नहीं आती। सास और पति के सपने देखियो, बाद में पहले जाके छठी का पेपर क्लियर कर ले अपना। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मैं बैठूंगी घोड़े पे। भाई इस लड़की पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और इसका जो कैंसर है वो और फैलता जा रहा है। वो अभी घोड़े की बात हो गई है तो अब देखो ये तुम खुद समझ सकते हो कि किस चीज की बात होने वाली है, वो भी इसके मुंह से। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, मैं बैठूंगी घोड़े पे और मुझसे जलने वालों मेरी बात को गौर से सुनो, तुम मेरे लौंडे। वैल ये इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो तेरे पास नहीं है। इससे पहला और इससे जरूरी चीज जो तेरे पास नहीं है वो है दिमाग। कुछ नहीं ब्रो, बस घोड़ा घोड़ी लोड़ा लोड़ी की राइमिंग बना के जो है खुद को कूल साबित कर रहा हूँ। ना मुझे कोई दिक्कत विक्कत नहीं है भाई इसकी वीडियो से, हम गाली देते हैं ये भी दे सकती है। लॉजिकल चीज बोलना, जो चीज है ही नहीं उसका जिक्र क्यों करना, याद आ रही है क्या?
नहीं भाई, इस बारे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी जस्ट अभी मैंने 5 मिनट लगा के अपने और अपना दिमाग लगा के एक शायरी बनाई है, तोड़ मोड़ के लोड़ा लोड़ी घोड़ा घोड़ी जोड़ के। लेकिन अफसोस हम वो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि भाई थोड़ी सी शर्म लिहाज है, मैं नहीं बोलूंगा। चलो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी हमें 4 मिलियन करना है इस चैनल पे। वीडियो लाइक करना और फेवरेट पार्ट क्या था वीडियो में वो कमेंट करके बताना, ठीक है? बाय।